2016 से हरियाणा में सीएम इन वेटिंग चल रहे ओम प्रकाश धनखड़ के चुनावी भविष्य को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बादली से 2019 का चुनाव हार चुके ओम प्रकाश धनखड़ की सियासी किस्मत इस समय अधर में लटकी हुई है और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 2024 में भी ओम प्रकाश धनखड़ सीएम इन वेटिंग ही रहेंगे। उससे बड़ा सवाल यह है कि 2024 में ओम प्रकाश धनखड़ क्या बादली सीट से चुनाव जीतेंगे या बादली सीट से फिर से चुनाव हार जाएंगे। ओम प्रकाश धनखड़ आज उस मुकाम पर खड़े हैं जहां की पॉलिटिक्स एक डिसाइडिंग फेज में है। वो हरियाणा प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष हैं और बड़ा रुतबा रखते हैं। उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए कई तरह के प्रयास भी किए हैं, लेकिन सियासत में सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ होती है, खुद की हार या जीत। अगर ओम प्रकाश धनखड़ 2019 में चुनाव जीत जाते तो वो मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार होते और हो सकता था कि खट्टर साहब की बजाय धनखड़ साहब सीएम बन जाते। लेकिन धनखड़ साहब की किस्मत में शायद सीएम इन वेटिंग ही लिख रखा है। जिस तरह से वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के अंदर लगातार सीएम इन वेटिंग रहे, बीजेपी में भी सीएम इन वेटिंग रहे और अब वो हाशिए पर हैं, इसी तरह से कहीं ना कहीं ओम प्रकाश धनखड़ के लिए भी ये पक्का तौर पर हो सकता है कि वो सदा ही सीएम इन वेटिंग कहलाएं। ओम प्रकाश धनखड़ के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो उस बादली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं जहां उनका खुद का असर ज़्यादा नहीं है और इस समय पूर्व सिंह भूपेंद्र हुड्डा का डंका वहां पर बज रहा है। धनखड़ के लिए 2024 का चुनाव जीतना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो वो लगातार उनकी दूसरी हार होगी और दूसरी हार के बाद उनका सियासी करियर ढलान पर आ जाएगा, खात्मे की तरफ बढ़ जाएगा। इसलिए ओम प्रकाश धनखड़ 2024 का चुनाव जीतने के लिए अभी से हर मुमकिन कोशिश में जुट गए हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि बादली के समीकरण बता रहे हैं कि वहां पर ओम प्रकाश धनखड़ के लिए 2024 में भी जीत की जड़ें हरी करने की उम्मीद नहीं है, यानी उनकी जड़ें फिर से सूखी रहेंगी, वो फिर से हार का शिकार होंगे। इसमें बादली का जो वोट बैंक है वो साफ तौर पर तीन हिस्सों में कहा जा सकता है। सबसे बड़ा हिस्सा है पूर्व सिंह भूपेंद्र हुड्डा के समर्थकों का। उन्हीं के वोट बैंक के बलबूते पर कुलदीप वत्स 2019 में विधायक बने। दूसरे नंबर का वोट बैंक है ओम प्रकाश धनखड़ का। ओम प्रकाश धनखड़ 2014 के अंदर जहां अच्छे वोटों के साथ वहां से एमएलए बनने में सफल रहे, वहीं 2019 के चुनाव में वो हार गए। दरअसल ओम प्रकाश धनखड़ ऐसे ट्रायंगल में फंस गए हैं जहां पर एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा का करिश्मा है तो दूसरी तरफ संजय कबलाना का अपना वोट बैंक है। संजय कबलाना ने 2019 के चुनाव में 28,145 वोट लेकर साबित कर दिया था कि उनका अपने हलके में अच्छा खासा असर है और उनके साथ में जो वोट बैंक है वो हुड्डा का भी विरोधी है और उसकी धनखड़ के साथ भी दूरी है। अब यही वोट बैंक धनखड़ के लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है। 2024 के चुनाव में बीजेपी और जेजेपी के साथ चुनाव लड़ने की उम्मीदें भी जताई जा रही हैं और जेजेपी चाहती है कि वो एनडीए का पार्ट बनकर 2024 का विधानसभा चुनाव लड़े। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि उन हालात में भी संजय कबलाना मैदान को नहीं छोड़ेंगे और वो मैदान को नहीं छोड़ेगा तो उन हालात में फिर बंटवारा वोटों का हो जाएगा और उसका फायदा धनखड़ को नहीं होगा। संजय कबलाना को अगर एनडीए गठबंधन में जेजेपी के रहने पर चुनाव लड़ना पड़ा तो जेजेपी को छोड़ देंगे, लेकिन वो चुनाव जरूर लड़ेंगे क्योंकि संजय कबलाना को भी महसूस होता है कि उन्होंने बरसों की जो मेहनत की है वो मेहनत को धनखड़ के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। और वैसे भी इस बात की गारंटी नहीं है कि अगर संजय कबलाना चुनाव नहीं लड़ता है तो उनका जो 28,000 का वोट बैंक है वो पूरा पूरा ओम प्रकाश धनखड़ को मिल जाएगा। यहाँ पर 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस की सरकार बनने के आसार ज़्यादा होने के चलते संजय कबलाना का वोट बैंक उनके चुनाव नहीं लड़ने पर ज़्यादा संख्या में कुलदीप वत्स के साथ में जा सकता है, यानी जीत का मार्जिन बढ़ सकता है और ओम प्रकाश धनखड़ पिछली बार से भी ज़्यादा बड़ी हार का शिकार हो सकते हैं। लेकिन ओम प्रकाश धनखड़ के लिए दुविधा यह है कि वो आखिर करें तो क्या करें। ओम प्रकाश धनखड़ ने बादशाहपुर और दादरी सहित कई सीटों का अवलोकन भी किया है और अपनी चुनावी संभावनाओं को टटोलने का काम भी किया, लेकिन हर जगह उन्हें मायूसी हाथ लगी और उन्हें घूम फिर कर दोबारा से बादली पर फोकस करने पर मजबूर होना पड़ा है। बादली के हालात बता रहे हैं कि 2024 में भी यहां पर ओम प्रकाश धनखड़ के लिए जीत की गुंजाइश नहीं है, जीत की संभावना नहीं है और उनका वोट बैंक नहीं बढ़ रहा है। यानी 2024 के चुनाव में जो ओम प्रकाश धनखड़ को 34,000 वोट मिले थे उनमें से 2-3,000 वोट कम हो सकते हैं, बढ़ नहीं सकते हैं। अगर उनके 2-3,000 वोट कम हो गए तो ऐसे में संजय कबलाना 28,000 से 31-32 पर आ सकते हैं, तो ऐसे में धनखड़ के लिए नंबर 2 से नंबर 3 पर जाने का खतरा भी पैदा हो सकता है। और अगर किसी कारण से ओम प्रकाश धनखड़ 2024 के चुनाव में नंबर 3 पर खिसक गए तो उनकी सियासत का खात्मा भी हो जाएगा।
ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी के सीएम के दावेदारों में बना रहना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें 2024 के चुनाव में जीत हासिल करनी होगी। लेकिन समस्या सबसे बड़ी यही है कि ओम प्रकाश धनखड़ ने जिस सीट को अपनी सियासत के लिए अब चुना है वो सीट के समीकरण उनके हिसाब से सेट नहीं बैठते हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी भूपेंद्र हुड्डा का दबदबा ज़्यादा है और वहाँ पर ओम प्रकाश धनखड़ के चाहने वाले लोगों की संख्या इतनी नहीं है कि वो हुड्डा के मुकाबले में उन्हें पसंद करके विधायक बनाने का काम कर सकें। ट्रायंगल फाइट के अंदर ओम प्रकाश धनखड़ ये उम्मीद जरूर कर रहे हैं कि बीजेपी जेजेपी का गठबंधन हो और जेजेपी का प्रत्याशी उतरने पर उन्हें संजय कबलाना के वोट मिल जाएं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि संजय कबलाना के करीबी लोगों का यह कहना है कि संजय कबलाना 2024 के चुनाव में जरूर ताल ठोकेंगे, अगर इसके लिए उन्हें जेजेपी छोड़नी पड़े तो इससे भी गुरेज नहीं करेंगे। यही वजह है कि 2024 के चुनाव में भी बादली विधानसभा सीट पर बीजेपी के बड़े नेता ओम प्रकाश धनखड़ के लिए खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और वो लगातार दूसरी बार हार का शिकार हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर ओम प्रकाश धनखड़ की सियासत का बंटाधार हो जाएगा और वो बीजेपी में हाशिए पर चले जाएंगे। ओम प्रकाश धनखड़ इस बात के बखूबी जानते हैं, इसलिए वो 2019 के मुकाबले में अपनी पोजीशन सुधारने के लिए लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो बादली विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा संख्या में विकास कराने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशें मंत्री पद से कम हैं और मंत्री पद पर बैठे हुए ही जब उनके वोट 10,000 घट गए थे तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष तौर पर उनके वोट बैंक को कितना बढ़ावा मिलेगा, कितनी इंक्रीजमेंट होगी, वो अभी सवालों के घेरे में है। लेकिन बादली के हालात बता रहे हैं कि ओम प्रकाश धनखड़ के लिए जीत की संभावनाएं फिलहाल नहीं के बराबर हैं और वो 2024 के चुनाव में 2019 से बड़ी हार के शिकार हो सकते हैं। ऐसे हालात में ओम प्रकाश धनखड़ के लिए दो ही विकल्प बचते हैं, या तो वो अपनी सीट को बदल लें और या फिर वो जेजेपी के साथ गठबंधन करके संजय कबलाना को गठबंधन के अंदर ही रहने के लिए रजामंद कर लें। अगर संजय कबलाना उनके साथ बने रहते हैं, उनका खुलकर सहयोग करते हैं, तो फिर ओम प्रकाश धनखड़ मुकाबले में आ सकते हैं और जीत भी दर्ज कर सकते हैं। लेकिन उनके चुनाव को संजय कबलाना को अपना चुनाव मानकर लड़ना होगा, तभी जीत का चुनाव परिणाम सामने आ सकता है। लेकिन संजय कबलाना बिल्कुल नहीं चाहते कि वो ओम प्रकाश धनखड़ के लिए अपनी सियासत का बलिदान दें, अपनी सियासत की कुर्बानी दें। यही वजह है कि संजय कबलाना 2024 में हर हालात में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने अपने साथियों को, अपने समर्थकों को साफ साफ ये बता दिया है कि वो या तो जेजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और अगर बीजेपी या जेजेपी का गठबंधन रहा तो फिर वो इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के तौर पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, वो आम आदमी पार्टी पर भी जा सकते हैं या कोई तीसरा विकल्प भी ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये तय है कि संजय कबलाना चुनाव हर हाल में लड़ेंगे। संजय कबलाना के चुनाव लड़ने के हालात में फिर ओम प्रकाश धनखड़ की जीत के दरवाजे बंद हो जाते हैं, यानी उनके लिए जीत के आसार खत्म हो जाते हैं। 2024 में ओम प्रकाश धनखड़ के सियासी भविष्य को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में ओम प्रकाश धनखड़ की सियासत के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।